आईपीएल 2024 का बेस्ट ओपनर, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर कौन है? आईपीएल 2024 खत्म हो चुका है और आज हम बनाने वाले बेस्ट आईपीएल 11। इस पूरे लीग में जिसने भी जैसा परफॉर्मेंस दिया होगा उस हिसाब से हम देखने वाले हैं कौन लोग हमारी टीम में आ सकते हैं और कौन नहीं। ये सिर्फ स्टैट्स के बेस पे नहीं होने वाला है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की। तो मैंने रखा है द किंग विराट कोहली जो मेरे पहले ओपनर होंगे। उनका अगर आप स्टैट्स देखोगे 15 मैचेस 741 रन विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 155 और 62 का एवरेज भी है जिसमें 5 अर्धशतक और 1 शतक है। तो स्टैट्स वाइज तो भाई कमाल है विराट भाई, कोई जवाब ही नहीं। ऑरेंज कैप के विनर भी थे तो विराट भाई का होना तो कंपलसरी था। सेकंड नंबर पे बहुत कंफ्यूजन था, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा, बहुत कंफ्यूजन था भाई। बट आई एम गोइंग विद द ओजी सुनील नारायण। सुनील नारायण बॉलिंग भी करके देंगे, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है और उसी के साथ अच्छी बैटिंग भी करके देंगे। अगर हम देखेंगे तो इन्होंने 14 इनिंग्स में 488 रन बनाए हैं और 17 विकेट भी लिया है साथ में और स्ट्राइक रेट इज 181 और बॉलिंग में इकोनॉमी लेस देन 7। तो भाई चाहे बॉलिंग की तरफ से देखो या बैटिंग की तरफ से देखो कोई डाउट है ही नहीं। अगर एक प्लेयर 17 विकेट लेता है साथ में 500 के करीब रन भी बनाता है देन भाई ही इज अ डिफरेंट क्लास। अब आते 3 नंबर पर। तो 3 नंबर के लिए मैंने रखा है जस्टिस गैंग के महाराज संजू सैमसन को। इन्होंने भाई 15 इनिंग्स में 531 रन बनाया है विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 153। अब यहां मुझे एक सरकाजम नहीं समझ आया। देखो अगर आप विराट कोहली का स्ट्राइक रेट देखोगे वो है 155 का बट संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट है 153 का। बट पूरे सीजन विराट कोहली को स्ट्राइक रेट को लेकर ट्रोल किया गया है। अभी आप लोग कमेंट से बताओ ऐसा क्यों है। संजू सैमसन का एवरेज है 49 का जिसमें 5 अर्धशतक है और शतक नहीं जड़ा है। तो संजू सैमसन को मैंने रखा है नंबर 3 पे। 4 नंबर पे एक और राजस्थान का प्लेयर जिसे बहुत ट्रोल किया गया था बट इस बार वो मेरे लिस्ट में है एंड द नेम इज लॉर्ड रियान पराग। 14 इनिंग्स में 573 रन बनाए हैं इन्होंने विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 150 और एवरेज है 52 का। स्ट्राइक रेट इनका भी विराट कोहली से कम है, ये अलग चीज देखने को मिल रहा है भैया। तो इनका भी ये आईपीएल बहुत अच्छा किया है और प्रेशर सिचुएशन में टीम को बहुत सारे मैचेस जितवाए भी है, इसी कारण से नंबर 4 पे रियान पराग है। अब आते हैं नंबर 5 के ऊपर। 5 नंबर पे मैंने रखा है वो बल्लेबाज जिन्होंने स्पिनर्स को इस साल सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं। द नेम इज हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन का अगर आप स्टैट्स देखोगे 15 मैचेस 479 रन विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 171 और एवरेज भी 40 का है। तो जैसा आपको लोअर मिडल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए जिसका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हो वैसा बंदा आपको मिलता है भाई। और उसी के साथ नंबर 6 पे भी मैंने एक और कीपर रखा है। 3-3 कीपर हो गया है टीम में। 6 नंबर पे मैंने रखा है निकोलस पूरन को। निकोलस पूरन का ये साल बहुत कमाल का किया है। जहां अभी पूरी लखनऊ की टीम फेल हो रही थी ये बंदा खड़ा रह रहा था। तो निकोलस पूरन के अगर हम स्टैट्स देखेंगे 14 मैचेस 499 रन, 1 रन कम हो गया वरना 500 तक पहुंच जाते विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 178 और एवरेज है 62 का। आपका स्ट्राइक रेट लगभग 180 का और एवरेज 62 का, कमाल भाई कमाल गया ये सीजन निकोलस पूरन का। और आने वाले वर्ल्ड कप में ये बहुत बड़ा खतरा होने वाला है सामने वाली टीम्स के लिए। तो मेरे लिस्ट में नंबर 6 पर है निकोलस पूरन। अब आते हैं नंबर 7 के ऊपर। तो नंबर 7 पर मैंने रखा है आंद्रे रसल को। आंद्रे रसल की बैटिंग इस बार ज्यादा आई नहीं है तो अब रन उतना मत देखना भाई। तो अगर हम स्टैट्स देखें 9 इनिंग्स में 222 रन विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 185, कमाल भाई। अगर आप वही विकेट देखोगे तो 19 विकेट लिए साथ में, बड़ा चीज ये है ये बंदा विकेट टेकर है। अगर टीम्स को विकेट नहीं मिल रही है ये विकेट लेके देता है। अगर श्रेयस अय्यर इसके हाथ में बॉल देते थे ये विकेट डिलीवर करता था। इसी वजह से नंबर 7 पे मैंने रखा है आंद्रे रसल को। तो इनका भी स्टैट्स बहुत अच्छा है। अब आते हैं नंबर 8 पर। तो यहाँ से भाई प्रॉपर बॉलर शुरू हो चुके हैं। नंबर 8 पे मैंने रखा है एक यंग टैलेंट को और मेरे हिसाब से इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड ये भी डिजर्व करते थे एंड द नेम इज हर्षित राणा। ये बंदा डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनका स्लोअर वन कमाल का है। तो नंबर 8 पर मेरे लिए है हर्षित राणा। इन्होंने भी 19 विकेट निकाले हैं 11 इनिंग्स में विद एन इकोनॉमी ऑफ 9। 9 के इकोनॉमी के साथ 19 विकेट भाई ठीक है चलता है, फिर भी थोड़ा सा इकोनॉमी ज्यादा है नो बट डेथ में बॉलिंग करता है बंदा तो इतना तो हो सकता है भाई, अब सब कोई बुमराह थोड़ी है। अब आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 के ऊपर मैंने रखा है द पर्पल पटेल हर्षल पटेल को।
इनका पता नहीं भैया, रन पिटाते रहते हैं फिर भी पर्पल कैप लेके जाते हैं। 14 मैचेस में इन्होंने 24 विकेट निकाले हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 9.73। इकोनॉमी ज्यादा है, हर्षित राणा का 9 का था, इनका 9.73 का है, उनसे भी ज्यादा है, बट ये भी विकेट टेकर है, विकेट आपको लेके देता है। अब आते हैं नंबर 10 के ऊपर, 10 नंबर पर है द ओजी, द बॉलिंग के किंग, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ करेंट टाइम, जसप्रीत बुमराह। 13 मैचेस इन्होंने खेले हैं जिसमें 20 विकेट निकाला है, आखिरी मैच नहीं खेले थे। और इस साल मुंबई का हालत कैसा था हम सबने देखा है भैया, वहां ये बंदा अकेला लड़ रहा था भाई। द नेम इज जसप्रीत बुमराह। और जो सबसे अच्छी बात है वो है इकोनॉमी, जहां हमने अब तक देखा है 9 की इकोनॉमी, 9.5 की इकोनॉमी, इस बंदे का इकोनॉमी है 6.48। और बॉलिंग कहां करता है, पावर प्ले में, डेथ ओवर्स में, और इकोनॉमी 6.5 का। जसप्रीत बुमराह फॉर अ रीजन यार। अब आते 11 नंबर पे ऊपर, ना ही इसमें कुलदीप यादव का नाम है, ना ही उदित चहल का नाम है, अगर आप नॉर्मली देखेंगे उनमें से एक का तो नाम इसमें जरूर होगा, बट हम बना रहे हैं इस आईपीएल के बेसिस पे, तो इस वजह से नंबर 11 पे है वरुण चक्रवर्ती। इस सीजन 14 मैचेस में 21 विकेट निकाला है विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.04। इकोनॉमी थोड़ा सा ज्यादा है, 8 का इकोनॉमी है, बट चलता है क्योंकि इन्होंने डेथ में भी बॉलिंग की है। तो भाई ये है मेरा 11, आपके हिसाब से इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, सबका ओपिनियन डिफरेंट है, सबके टीम बनाने का तरीका अलग है, बट मेरे हिसाब से ये है बेस्ट 11। एक बार अगर हम लोग लिस्ट में देख ले, विराट कोहली, सुनील नारायण, संजू सैमसन, रियान पराग, हेनरी क्लासन, निकोलस पूरन, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करेंगे तो आई वुड हैव गॉन विद अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे चॉइस है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, बिकॉज 4 फॉरनर्स पहले ही हो चुके हैं, नंबर 7 तक ही 4 फॉरनर्स हो चुके थे, तो बॉलिंग में ये क्लियर था कि मुझे इंडियन ही चुनना है, वरना हर्षित राणा की जगह इसमें पैट कमिंस का नाम हो सकता था, बट बिकॉज ऑफ ओनली 4 फॉरनर्स वी कैन प्ले, आई हैव टू गो विद हर्षित राणा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आईपीएल 2024 का बेस्ट 11? क्या इसी में कुछ चेंजेस होगा या कम्प्लीटली डिफरेंट होगा? कमेंट से बताना भाई।